शेल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले नाम से ही पता लग रहा है कि प्रॉब्लम किसके ऊपर होने वाली है, शेल पे। शेल का मतलब एक कंडक्टिंग या कंडक्टर, एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, तो ये चार्ज्ड शेल है। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ छह फॉर्मूला यूज करूंगा जो ऑलरेडी मैंने आपको करवाए हुए हैं। जैसे अगर एक शेल है, अगर मैं ये पूछूं चार्ज शेल जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, इसके अंदर अगर मुझे ई निकालना है तो शेल के इनसाइड ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। हमने किया हुआ है। अगर मुझे आर डिस्टेंस बाहर ई निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे सरफेस के ऊपर निकालना है तो क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। वी का फॉर्मूला अभी हमने कर लिया। वी के फॉर्मूले में अगर मुझे बाहर वी निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर। अगर मुझे सरफेस के ऊपर निकालना है तो क्यू बाई कैपिटल आर। और अगर मुझे इनसाइड निकालना है, इनसाइड का कोई रूल नहीं है, इनसाइड वी हमेशा कांस्टेंट होता है। आर डिस्कशन की हमने, पोटेंशियल की वैल्यू शेल के अंदर कांस्टेंट है, फॉर्मूला लिखा फॉर्मूला रजिस्टर में। और कितना कांस्टेंट है, जितना सरफेस के ऊपर है। तो जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के अंदर है, सेम है। तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट यहां पूछूं, चाहे वो आर वन डिस्टेंस पे है, चाहे वो आर टू डिस्टेंस पे, कोई फर्क ना पड़ता, पोटेंशियल की वैल्यू अंदर वही होगी जो सरफेस के ऊपर होगी। तो जैसे अगर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट ही आएगा। तो कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? इसमें छह फॉर्मूला देख लिए, यूज करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक और दो। इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है, ये थिक शेल नहीं है, ये थिन पतले पतले दो कंसेंट्रिक शेल्स हैं जिसमें अंदर का रेडियस ए है और जिसमें बाहर का रेडियस बी है। ठीक हो गया था? यहां पे मैंने ये चार्ज दिया, इसके क्यू वन, क्यू वन चार्ज मैंने दिया है। आउटर शेल पे कोई चार्ज ना था, तो इनर शेल ने बाहर क्या कर दी, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, Q1 ने यहां पर ऑपोजिट क्या डेवलप किया, माइनस Q1 और यहां पे प्लस Q1। कोई डाउट इसमें? तो माइनस Q1 प्लस Q1 पेंसिल से बनाए हुए चार्जेस इंड्यूस चार्जेस हैं। तो ये मेरा चार्ज है और ये इंडक्शन के चार्जेस हैं। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर वन, इसके इनर सरफेस पे, अंदर की सरफेस पे सिग्मा निकाल लो। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। अंदर की सरफेस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू वन। अंदर की सरफेस का रेडियस क्या है, बी। तो एरिया क्या है, 4π b2। तो अंदर का चार्ज माइनस क्यू वन बाई 4π b2। और अगर मैं ये कहूँ बाहर की सरफेस पे सिग्मा निकालो, बाहर की सरफेस पे चार्ज क्या है, क्यू वन, एरिया क्या है, 4π b2। कोई डाउट इसमें? तो सिग्मा की वैल्यू दोनों में आ जाएगी, कोई डाउट? तो ये शेल की प्रॉब्लम शायद पहले भी डिस्कस की थी मैंने कि जब सिग्मा निकालना होगा तो इंडक्शन लेनी है आपको, इंडक्शन से माइनस प्लस लेने हैं और फिर चार्ज बाय एरिया से आंसर देने हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? सपोज करो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन है फिर से कंसेंट्रिक शेल्स हैं, फिर से मैंने इसको क्यू वन चार्ज दिया, इस बार मैंने इसको भी चार्ज देके रखा हुआ है क्यू टू। ये पेन से दिए हुए चार्जेस मेरे अपने चार्जेस हैं जो शुरू में मैंने दिए हुए हैं। तो यहां पे चार्ज कितना दिया, क्यू वन, और आउटर शेल को मैंने बाहर से चार्ज दिया Q2। अब इंडक्शन अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर नहीं आती। तो जैसे अंदर चार्ज क्या है, Q1, बाय इंडक्शन Q1 ने यहां क्या डेवलप किया, माइनस Q1, और यहां क्या डेवलप किया, प्लस Q1। तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q1, Q2 कुछ नहीं करेगा, बाहर की इंडक्शन अंदर नहीं आती, अंदर की बाहर जाती है। तो ये चार्जेस क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब मेरा ये क्वेश्चन है, आपको ई और वी के फॉर्मूलाज भी आते हैं। तो सपोज मैंने पॉइंट नंबर वन दिया, बिल्कुल यहां पे है पॉइंट नंबर वन पे, आपने मेरे को ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पॉइंट नंबर वन पे ई कौन कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों शेल्स करेंगे, शेल नंबर वन भी करेगा और शेल नंबर टू भी करेगा। चलो एक एक करके पूछते हैं। शेल नंबर वन से पूछें कि तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा वन पॉइंट पे, तो शेल नंबर वन कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो मेरा ई का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा,
जीरो, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी भी शेल के अंदर ई जीरो होता है। तो शेल नंबर वन क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? जीरो। शेल नंबर टू से पूछें, शेल नंबर टू कहता है क्योंकि ये वन पॉइंट मेरे अंदर लाए करता है, मेरे भी अंदर लाए करता है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा? जीरो। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? नेट आंसर है जीरो, क्योंकि ये पॉइंट अंदर लाए करता है तो दोनों के अंदर लाए करता है तो दोनों कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जीरो एंड जीरो, कोई डाउट? ये स्टेप क्लियर है। चलो चेंज करते हैं पॉइंट, पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं। पॉइंट नंबर टू की दूरी सेंटर से एक्स है, मेरे को यहां पे ई निकालना है, ध्यान आगे ई निकालना है, ठीक। फिर शेल नंबर वन से पूछो, शेल नंबर वन से पूछो कि तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा टू पे, तो शेल नंबर वन कहेगा क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस से बाहर निकल चुका है, कितना बाहर निकल गया? एक्स, तो मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई पॉइंट शेल के बाहर है, 1/4 pi epsilon naught Q1 / x2, तो 1/4 pi epsilon naught Q1 / x2, सही। शेल नंबर टू से पूछो तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, शेल नंबर टू कहेगा क्योंकि टू नंबर पॉइंट भी अभी भी मेरे अंदर लाई करता है तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन तुम जीरो ले लेना, कोई डाउट इसमें? तो शेल नंबर वन ने अपनी वैल्यू बता दी टू पॉइंट पे, क्योंकि ये पॉइंट बाहर था तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा, शेल नंबर टू का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया, कोई डाउट इसमें? ठीक है, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं, टू तक क्लियर है, मैं पॉइंट चेंज कर रहा हूं पॉइंट नंबर थ्री। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये दोनों शेल के बाहर निकलाया, पॉइंट नंबर थ्री तो बाहर निकलाया दोनों के सेंटर से, सरफेस से बाहर आ गया। शेल नंबर वन से पूछो तो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेगा यहां पे, तो शेल नंबर वन कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से वाई डिस्टेंस दूर है तो मेरा फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught मेरा खुद का चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, सही है। शेल नंबर टू से पूछा तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, शेल नंबर टू ने कहा मेरे अंदर भी चार्ज है और मेरे बाहर भी चार्ज है, मेरे सारे चार्जेस ई में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अंदर का चार्ज मेरा -Q1 है और क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस से भी बाहर है, सेंटर से कितनी दूरी पे वाई, तो -Q1 कितना ई लगाएगा, 1/4 pi epsilon -Q1 / y2, और ये दो चार्जेस टोटल भी ई लगाएंगे, 1/4 pi epsilon naught Q1 + Q2 / y2। अब कुछ लोग यह क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये अजीब बात हो गई, इतनी देर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन किए थे आपने उसमें माइनस साइन लेने को मना किया था लेकिन आज आप इसमें माइनस साइन ले रहे हो ओनली मैग्नीट्यूड ई की प्रॉब्लम्स में, तो कोई बात नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन ऐसे कर लेते हैं, आप मैग्नीट्यूड ले लेना, कोई बात नहीं, प्लस वन रख लें। ये पॉजिटिव चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। ये नेगेटिव इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट। वो पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। फिर दो वेक्टर पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, बात एक ही है। तो इसमें टू अवॉइड कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पर माइनस साइन ले लिया जो ऑटोमेटिकली डायरेक्शंस को हैंडल कर रहा है, तो आप इसमें ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप प्लस वन रखेंगे तो माइनस प्लस अपने आप वेक्टर प्लस माइनस कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट, वो करने की बजाय मैंने यहाँ पर माइनस और प्लस ही ले लिया जो ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल होते जा रहे हैं, चलेगा इसमें? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन क्लियर है। अब कई लोगों ने एक चीज नोट की, जब इसको ओपन किया गया Q1 / y2 Q2 / y2, तो उन्होंने देखा Q1 और Q1 का इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो उन्होंने फटाफट कहा कि सर एक बात बताओ, इसका मतलब ये जो चार्जेस हैं, ये जो यहां पे ई लगाएंगे वो कैंसिल हो रहा है, चेक कर लो, ये देखो कैंसिल हो रहा है, तो फिर लगाने की जरूरत क्या है? वो तो कैंसिल हो रहा है ना, तो क्यों लगाया? इंडक्शन के जो चार्जेस हैं वो अपना ई आपस में ही कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जो ई यहां पे माइनस Q1 प्रोड्यूस करेगा उतना ई प्लस Q1 भी करेगा, तो आपस में कैंसिलेशन तो है ही है। तो फिजिक्स के रूल कहते हैं कि इंडक्शन होती है, इंडक्शन होती है, बट तुम आफ्टर लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये एक चीज नोट कर लेते हो कि इंडक्शन ले तो लूं पर इंडक्शन के जो चार्जेस हैं वो ई के अंदर अपने आप को क्या कर जाते हैं? कैंसिल। तो स्टूडेंट एक शॉर्टकट बना लेता है
कि ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शन लूंगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आपस में कैंसिल हो ही जाने हैं। ये आपका शॉर्टकट है, मेरे मुंह से ना कहलाएं कि सर लें कि ना लें, क्योंकि फिजिक्स तो कहती है कि इंडक्शन होनी है। तुम दो स्टेप बचाने के चक्कर में खुद अपना शॉर्टकट बना लो, वो आपकी मर्जी है, वो ठीक है, लेकिन वो लोग बनाएं जो क्लियरली उसको देख पा रहे हैं कि कैंसिलेशन हो रही है। अगर नहीं देख पा रहे, मुझसे पूछे कि इंडक्शन होगी कि नहीं होगी, या लें या नहीं लें, मेरा आंसर है हाँ लेनी है, इंडक्शन तो होती है, फिजिक्स तो कहती है इंडक्शन होती है, तुम अपना शॉर्टकट खुद बना लो, बात अलग है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पॉइंट नंबर वन पे मुझे क्या निकालना है? वी वी। अब वी निकालने का तरीका देखो, शेल नंबर वन से पूछो क्या तू वी में पॉइंट नंबर वन पे वी में कंट्रीब्यूट करेगा, तो शेल नंबर वन कहता है हाँ करूंगा, क्योंकि वन नंबर पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, और शेल का रूल है कि अगर कोई पॉइंट अंदर लाई करता है तो शेल की सरफेस के ऊपर भी और शेल के अंदर भी क्या रहता है? एग्जैक्टली सेम। तो शेल नंबर वन कहता है क्योंकि पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है तो तुम मेरे सरफेस का पोटेंशियल ही इसको दे दो। अब इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0Q1/ इसका खुद का रेडियस क्या है? a। इसका रेडियस a है, तो कोई भी शेल सरफेस पे पोटेंशियल क्या लगाता है? 1/4πε0Q1/a। उतना ही पोटेंशियल वन पॉइंट पे लगाएगा। तो ये पहला स्टेप क्लियर है, v के अंदर Q1/a। समझ में आ रहा है यहां तक कि जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उतना ही अंदर पोटेंशियल है। तो क्योंकि वन नंबर पॉइंट इस शेल के अंदर है तो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा 1/4πε0Q1/ इसका रेडियस क्या है? a। उतना ही पोटेंशियल ये वन पे लगा देगा। तो हमने भी क्या किया, पॉइंट नंबर वन पे जो सरफेस का पोटेंशियल है वो हमने कंट्रीब्यूट करवा दिया। अब बारी है शेल नंबर टू की। शेल नंबर टू से पूछो तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा वन पे। अब शेल नंबर टू भी वही आंसर दे रहा है, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, और कोई भी पॉइंट अगर मेरे अंदर लाई करता है तो मेरे सरफेस का ही पोटेंशियल आंसर होगा। अब शेल नंबर टू की सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? इसका रेडियस क्या है? बी। तो माइनस क्यू वन का पोटेंशियल होगा 1/4πε0-Q1/b सरफेस के ऊपर ये रहा, और Q1 एंड Q2 का क्या होगा? 1/4πε0Q1+Q2/b, क्योंकि जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर का पोटेंशियल है, सेम है। तो ये स्टेप क्लियर है। वो अलग बात है कि जब आप इसे ओपन करेंगे एक बार फिर से माइनस Q1 अफेक्ट कैंसल, मतलब इसने जो पोटेंशियल लगाया वो अल्टीमेटली कैंसिल ही होने। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो स्टूडेंट कहते हैं कि आगे से अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा ऐसा, यार मैं इंडक्शन लूंगा ही नहीं, क्योंकि इंडक्शन लेके ना तो ई में फायदा हो रहा है ना वी में फायदा हो रहा है। वो आपका अपना शॉर्टकट है, पर लोगों को ये मत कहना कि सर ने कहा कि इंडक्शन नहीं लगती। इंडक्शन तो लगती है, लेकिन मैं लगाऊं ना लगाऊं वो मेरी अपनी इंटेलिजेंस है कि मैं उस मौके पे मुझे दिख रहा है कैंसिल हो रही है तो नहीं लूंगा, अगर नहीं हो रही तो मुझे लेना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट नंबर थ्री बाहर है दोनों शेल से। पॉइंट नंबर थ्री पे अंदर का शेल कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1/4πε0Q1/distance y। ये रहा पोटेंशियल। तो y दूरी पे तो Q1/y। आउटर शेल कितना लगाएगा? आउटर शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे सेंटर से y डिस्टेंस दूर है तो मैं पोटेंशियल लगाऊंगा कितना? -Q1 कितना लगाएगा? -Q1/y। और बाहर के चार्जेस क्या लगाएंगे? Q1+Q2/y। वो अलग बात है, जब आप इन्हें ओपन करेंगे तो Q1 का अफेक्ट फिर से कैंसिल, यानी कि पूरे क्वेश्चन में अगर मैं इंडक्शन ना भी लेता तो भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये हमारा अपना शॉर्टकट है, पर इंडक्शन तो होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ई और वी की वैल्यूज कैसे लिखनी है शेल्स में? ठीक है यहां तक? तो इस क्वेश्चन को अपने हाथ से ट्राई करें प्लीज, कॉपी निकालें। क्वेश्चन है कि सपोज ये एक शेल है जिसका रेडियस 2 मीटर है,
ये एक और शेल है, इसका रेडियस 4 मीटर है। आपको पॉइंट नंबर वन पे ई की वैल्यू बतानी है और वी की वैल्यू बतानी है। आपने पॉइंट नंबर टू पे ई की वैल्यू बतानी है, और ये 10 कूलम है और ये 5 कूलम है। पॉइंट नंबर टू पे ई बताना है एंड वी बताना है, और एक पॉइंट लेते हैं 3, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो आपको ई बताना है एंड आपको वी बताना है। एक बार प्लीज़ वैल्यूज लिख के देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले ई लिखें, पहले सिर्फ ई ई ई लिखें, फिर अगले राउंड में वी 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 लिखेंगे। तो मुझे एक काम करें, साथ साथ आंसर दे दें, बस इतना ही सफिशियंट है। एक एक करके, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं। बताओ, अंदर का शेल पॉइंट नंबर वन पे ई क्या लगाएगा? क्योंकि पॉइंट अंदर लाए करता है, तो फर्स्ट शेल कहते हैं मैं तो लगाऊंगा नहीं। शेल नंबर टू 0, क्योंकि ये पॉइंट शेल नंबर टू के भी अंदर लाए करता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बात खत्म। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इंडक्शन लूं या ना लूं। एक्सपीरियंस तो कहता है कि फायदा होगा नहीं, चलो वो एक्सपीरियंस द्वारा लेते हैं। मैं ले रहा हूं, मुझे पता है इसका फायदा होगा नहीं। तो अगर ये 10 है तो ये -10 है और ये +10 है। ले लेता हूं, एंड में दिखा दूंगा कि फायदा होगा नहीं। तो एक आंसर क्लियर हो गया दोनों शेल्स का। अब पॉइंट नंबर टू पे चलते हैं। पॉइंट नंबर टू पे ई का फॉर्मूला, फर्स्ट शेल का ई का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल से 3 मीटर दूर है और बाहर है। इसका खुद का चार्ज क्या है? 10, और डिस्टेंस क्या है इसका? 3। ये रहा शेल नंबर टू से पूछो, क्या ये कंट्रीब्यूट करेगा? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि टू नंबर पॉइंट शेल टू के अंदर लाई करता है, और अगर कोई पॉइंट अंदर लाई करता है शेल के, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो शेल नंबर टू ने अपना कंट्रीब्यूशन 0 मार्क कर दिया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये रहा 6 मीटर। अब पॉइंट नंबर जो ये जो पॉइंट है, इसके अंदर अगर ई का फॉर्मूला निकाल लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट शेल का चार्ज क्या है? 10, डिवाइडेड बाय, दूरी कितनी है यहां से इसकी? 3। तो 10 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर, सही है। जो आउटर शेल है उसके लिए भी ये पॉइंट 6 मीटर दूर और बाहर है, तो इसके दोनों चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे -10 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर +5 +10 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। वो अलग बात है कि ये वाली और ये वाली टर्म अंदर से कैंसल। इसका मतलब अगर आप इंडक्शन ना भी लेते तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना था। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ई क्लोज कर दें। अब वी की बात कर लें, वी पे चलते हैं। देखो, वी के अंदर पॉइंट नंबर वन पे अगर मुझे वी निकालना है, तो शेल नंबर वन से पूछो कि तू कितना वी लगाएगा। तो शेल नंबर वन कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाए करता है, तो जितना मेरी सरफेस का पोटेंशियल है उतना ही मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो तुम मेरे सरफेस का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो। तो सरफेस का चार्ज क्या है? 10, और इसका रेडियस क्या है? 2। इसका रेडियस है 2, तो 10/2 आएगा। अब ये डिस्टेंस ना ढूंढें, क्योंकि ये पॉइंट शेल के अंदर है, सरफेस का ही पोटेंशियल अंदर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। शेल नंबर वन क्लियर हो गया। शेल नंबर टू, अब शेल नंबर टू में वो कहता है कि 1 नंबर पॉइंट भी मेरे अंदर है। तुम एक काम करो, शेल नंबर टू कहता है तुम मेरे सरफेस का पोटेंशियल ले लो। अब सरफेस का रेडियस कितना है? 4 मीटर है, तो सरफेस के पोटेंशियल में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? -10 करेगा /4, और +5 और 10 करेगा /4। ये रहा, ये रहा। तो अगर आप चेक करें, -10/4 +10/4 कैंसल। इंडक्शन लेने का इसमें भी कोई फायदा था नहीं, हालांकि मैंने ले ली। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक?
तो सरफेस का ही पोटेंशियल दो नंबर पे लग गया। अब बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर वन की बात हो रही है, पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं। पॉइंट नंबर टू पे चलो फर्स्ट शेल से पूछो क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरे से बाहर निकल गया तो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा कितना, 10। कितना बाहर निकल गया, 3, तो 10/3 आएगा इस बार। क्लियर है? अब आउटर शेल से पूछो क्या तू कंट्रीब्यूट करेगा। अब आउटर शेल कहता है क्योंकि पॉइंट नंबर टू मेरे अंदर लाई करता है तो तुम मेरे सरफेस का ही पोटेंशियल इसको दे दो। सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाय इसका खुद का रेडियस कितना है, 4, और +5 + 10 डिवाइडेड बाय अगेन 4, ये आंसर आएगा। ठीक है था? फिर पॉइंट नंबर थ्री पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो 1/4 πε₀। इनर शेल कहता है क्योंकि मेरे सेंटर से इसकी दूरी 6 मीटर है तो क्या आएगा, 10 / 6। आउटर शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट सेंटर से दूर है तो आउटर शेल के दोनों चार्ज इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, -10/6 और +5 + 10/6, ये इसका आंसर है। तो पूरे एक्सपेरिमेंट में ये समझ में आती है मैंने एक फालतू में इंडक्शन की है इसमें। अगर मैं इंडक्शन ना भी करता अपने मन में तो मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, आंसर सेम था। पर ये आपका अपना शॉर्टकट, अपना एक्सपीरियंस है। फिजिक्स तो कहती है इंडक्शन होती है। तो क्या ये ई और वी की प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि कैसे ई और वी कैलकुलेट किया हमने? अब समझ में आया कि जब भी स्फेयर या शेल देखता था मैं आपकी बात सुनता भी नहीं था कि मेरे को सुनना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने वो आपको आंसर यस बोल दिया हर जगह वही लगेगा और वो लगना था नहीं। अब वो डिस्टेंस चेंज करता रहेगा आपका ई और वी का, आपके आंसर चेंज होते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि वी की प्रॉब्लम मैं क्यों नहीं छेड़ता था, क्योंकि कल को उसने अगर शेल के अंदर वी पूछ लिया तो मैं कैसे फॉर्मूला लगा के दूं आपको, वो फॉर्मूला चल नहीं सकता था। तो क्या ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें 3 शेल्स गिवन है, तीनों पे चार्ज मैंने दिया हुआ है, Q1, Q2 और Q3, तीनों का रेडियस भी पता है। क्वेश्चन है आपको x = 5r/2 पे ई और वी निकालना है। रूल नंबर 1, कायदे से फिजिक्स तो कहती है कि इंडक्शन होगी, -Q1 + Q1 - Q1 + Q2 मतलब ऐसे होगी। ये देखो ये Q1 - Q1 Q2 + Q1 - Q2 + Q1 Q2 + Q1, पर मुझे पता लग चुका है अपने शॉर्टकट से कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इसमें E और V निकालना चाहता हूं तो मेरे को इंडक्शन का कोई फायदा होगा नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं सीधा आंसर बोलूं, बोलो E का फॉर्मूला, फर्स्ट शेल का कॉन्ट्रीब्यूशन E इसमें क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट मेरे सरफेस के बाहर है तो मैं तो कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा कितना, 1/4 πε₀Q1 / 5r/2 2। कोई डाउट? E में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सेकेंड शेल से पूछो, सेकेंड शेल कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरी बाउंड्री से भी बाहर निकल गया तो मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा कितना, 1/4 πε₀Q2 / 5r/2 2। लेकिन शेल नंबर 3 कहता है क्योंकि ये पॉइंट मेरी बाउंड्री के अंदर है तो मैं तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा नहीं, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 0। ठीक हो गया यहां तक? फिर से, फर्स्ट शेल की बाउंड्री से बाहर निकल गए पॉइंट तो फर्स्ट शेल तो कंट्रीब्यूट करेगा कितना, 1/4 πε₀Q1 / 5r/2 2। सेकेंड शेल की बाउंड्री से भी बाहर ये पॉइंट तो सेकेंड शेल भी कंट्रीब्यूट करेगा Q2 / 5r/2 2। थर्ड शेल के लिए क्या है, 0। ठीक। नेक्स्ट है, इसी पॉइंट पे V निकालते हैं। अब फर्स्ट शेल यहां पे V कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल की बाउंड्री से बाहर है तो V का फॉर्मूला 1/4 πε₀Q1 / 5r/2। सेकेंड शेल की बाउंड्री से भी बाहर है तो Q2 / 5r/2। थर्ड शेल की बाउंड्री के अंदर है तो थर्ड शेल क्या कहता है, क्योंकि पॉइंट मेरे अंदर है तो तुम मेरे सरफेस का पोटेंशियल इसको दे दो। अब इसका सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 πε₀Q3 / 3r, ये लो। तो इसने सरफेस का पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे ई और वी के फॉर्मूलास को अप्लाई करना है इसमें?
ठीक, चुप से लग रहे हो, ठीक है, कुछ समझ में आ, हाँ घर जाके देखना तो पड़ेगा ही, ऐसे मैं शीट लिख के लाया हूँ यार, बहुत टाइम लगाया मैंने शीट लिखने में, मुझे पता है कि इसमें कितना एफर्ट लगता है, ठीक, सब चीज़ें कैसी दिखती हैं, और कौन सा लेने चक्कर आ जाते हैं, क्यों तो पता ही है कौन सा लेना है, ठीक है, तो ध्यान से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मान लो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, Q1, Q2, Q3 चार्ज दे दिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे जो आउटर शेल है उसके अंदर और बाहर की सरफेस का सिग्मा निकालो। देखो जब भी सिग्मा की प्रॉब्लम आएगी 100% इंडक्शन लेनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, अगर मैं इंडक्शन ना लगाऊं तो मेरे तो चार्ज ही गायब हो गए, तो मैं तो बोलूंगा अंदर चार्ज ही नहीं है, तो ना होता है, तो सिग्मा की कैलकुलेशन में Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2, तो आउटर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, आउटर सरफेस का चार्ज अपॉन आउटर सरफेस का एरिया 4π3R का स्क्वायर। इसके इनर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, माइनस Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना, अगेन 4π3R का स्क्वायर। तो सिग्मा की कैलकुलेशन में इंडक्शन लेनी ही पड़ेगी, ई e और वी की कैलकुलेशन में नहीं भी लेते चलता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, अब वो अलग प्रॉब्लम है, अर्थिंग की प्रॉब्लम है। अर्थिंग की प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, जिस चीज को अर्थ टच कर दे वो जैसी खुद है दूसरे को भी वैसी बना देती है, वो कैसी है, वो न्यूट्रल है, तो दूसरे को भी वो न्यूट्रल बना देती है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं, इसे न्यूट्रल बोलते हैं, नेट चार्ज जीरो को न्यूट्रल बोलते हैं, नहीं। अब देखो अर्थ अगर किसको टच कर ले तो ऐसा लगता है, एक गलत बात माइंड में बैठ जाती है, और ऐसा होता है, हमारे एग्जाम्पल भी ऐसे ही हैं, वो चार्ज गायब कर देती है, बिल्कुल भी चार्ज गायब नहीं करती, वो उसकी मर्जी है, वो करना चाहे वो कर देगी, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। अर्थ ऐसा क्या करती है, अर्थ इलेक्ट्रोस्टैट्स हमसे ज्यादा जानती है, और वो कुछ फॉर्मूला लगाती है पोटेंशियल के, और वो ये देखती है चार्ज इस पे देना है या नहीं देना। बस एक चीज पक्की है, जिसने अर्थ या अर्थ ने जिसको टच कर लिया उसका पोटेंशियल जीरो कर देगी। न्यूट्रल का मतलब है अर्थ के अंदर बहुत इनफाइनाइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज और अर्थ एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π∭Q/R, जितना क्यू पॉजिटिव है अर्थ में उतना क्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, नेगेटिव ने उतना ही नेगेटिव लगाया, नेट पोटेंशियल जीरो आया, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, इसे न्यूट्रल बोलते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं है, चार्ज तो है उसके पास, वो तो जितना मर्जी निकाल लो, उसका पोटेंशियल जीरो है, तो न्यूट्रल मीन्स पोटेंशियल जीरो है। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो अर्थ ने जिसे टच कर दिया समझो उसका पोटेंशियल जीरो हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक चीज समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो भी देख रहे थे हम, ये एक शेल है, इस शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक, ध्यान आगे, इस शेल पे क्यू चार्ज है और मैंने इसको अर्थ कर दिया। क्वेश्चन है कि अगर मैंने इसको अर्थिंग कर दी तो बताओ इस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, ये क्यू डैश निकालना है, ठीक। कई लोग कहते हैं ये क्वेश्चन ही नहीं है, अर्थ ने जिसको टच कर दिया उसका चार्ज जीरो कर दिया, गलत, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अर्थ ने जिसे टच किया उसका चार्ज जीरो करे ना करे वो तो बाद की बात है, वो उसका पोटेंशियल जीरो कर देगी। अब देखो कैसे, सपोज करो ये क्यू चार्ज है, आपको ये प्रॉब्लम दी कि अर्थ हो रखी है, बोलो इन पे क्या चार्ज होगा, अंदर कितना और बाहर कितना, ये बताओ, ये क्वेश्चन था। तो आपने भी कहा ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर में हमें ये बताया इंडक्शन लगा दो, तो तुमने भी पेंसिल ली, क्यू का माइनस क्यू किया और बाहर क्या किया, प्लस क्यू किया। देखो आपका लॉजिक स्टूडेंट का पहले पहली बार तो यही कहता है कि इसको प्लस क्यू कर दो, मैंने खुद सिखाया आपको अभी, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या ये पॉइंट क्लियर है। फिर स्टूडेंट आंसर देता है क्योंकि अर्थिंग हो रखी थी तो प्लस क्यू अर्थ ने गायब कर दिया, ऐसे बोलता है ना स्टूडेंट एक आम लैंग्वेज में, कि जहां टच कर रखा है वो, ऐसा बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। अर्थ कॉपी पेंसिल लेके बैठी है, दिखाता हूं कैसे,
जब आपने कहा ये क्यू है और अर्थ को कहा ये माइनस क्यू है, अर्थ कहती है ओके इंडक्शन लग रही है, सही कर रहे हो। आपने कहा ये प्लस क्यू है, अर्थ कहती है रुको प्लस क्यू कैसे कर दिया, मेरे होते मैं डिसाइड करूंगी, तुमने डिसाइड करोगे। और तुमने कहा कि भाई हम तो बचपन से डिसाइड ही करते आ रहे हैं, हमारी चलती आई है, तो अर्थ ने कहा वहाँ मैं नहीं थी इसलिए तुम्हारी चल रही थी, तुम इंडक्शन ठीक लगा रहे थे। तो जब तक अर्थिंग नहीं है तो इंडक्शन एंड टू एंड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इसमें अर्थिंग नहीं है तो ये क्यू वन माइनस क्यू वन प्लस क्यू वन सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अर्थिंग आ गई तो अब यहाँ पे अर्थ डिसाइड करेगी कि यहाँ कितना चार्ज देना है, नीचे तुम जो मर्जी लगाओगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो तुमने नीचे से इंडक्शन लगानी शुरू की, क्यू माइनस क्यू, अर्थ ने कहा यहाँ मैं डिसाइड करूंगी क्योंकि मेरे को देखना है कि पोटेंशियल जीरो कैसे होगा। तो चलो अर्थ के वजह से मान लो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ चार्ज क्या हो गया क्यू डैश, आपको तो पता नहीं था आंसर, अर्थ ने मना कर दिया, अर्थ बताएगी आंसर क्या है इसका, तो क्यू डैश। लेकिन अर्थ जिसको टच कर दे उसका पोटेंशियल क्या है, जीरो। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, शेल प्रॉब्लम है, ये शेल, इस शेल की वजह से यहां पे डिस्टेंस कितना है 3R, बोलो ये क्यू चार्ज यहां कितना पोटेंशियल लगाएगी, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई 3R, लगा दिया फॉर्मूला। ये माइनस क्यू कितना लगाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 3R। अब ये क्यू डैश कितना लगाएगा, 1/4πε0 क्यू डैश डिवाइडेड बाई 3R। तीनों चार्ज का पोटेंशियल लिया, अर्थ को पता था जितने मर्जी चार्जेस आर्थ पड़ोस में पड़े हो नेट पोटेंशियल किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, जीरो। अर्थ ने उठा के इसको जीरो कर दिया। अर्थ एक्चुअल में ये करती है, अर्थ इसका पोटेंशियल लेगी क्योंकि ये यहां पे पोटेंशियल लगा रहा है, अर्थ इसका पोटेंशियल लेगी, फिर अर्थ डिसाइड करेगी कि मेरे को यहां चार्ज क्या देना है ताकि नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। तो अर्थ चार्ज में काम नहीं कर रही, अर्थ क्या करती है पहले पड़ोस के चार्जेस का पोटेंशियल लेती है, नोट कर लेती है कि अच्छा अच्छा पड़ोसी है क्यू और माइनस क्यू ने ये पोटेंशियल लगाया, अब फिर मेरी सुनो, वो कहती है मैं तो यहाँ चार्ज क्यू डैश रखूंगी, वो ऐसे रखूंगी कि इन दोनों का जो पोटेंशियल इसके साथ आपस में कैंसिल होकर नेट आंसर क्या दे दे, जीरो। सॉल्व कर लो, क्यू डैश जीरो आ गया। आपको इसमें कह तुम जो पहले ही पता था अर्थ जिसको टच करेगी क्यू डैश जीरो है, उसमें क्या बड़ी बात है, चांस की बात है जीरो आ गया, जरूरी नहीं था कि जीरो आएगा। पर कैलकुलेशन कैसे करनी है समझ में आ रहा है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपका। ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, एक सेकंड लूंगा सिर्फ, इस शेल की प्रॉब्लम के बाद वो शेल की प्रॉब्लम फिर से करवाता हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार तीन शेल्स हैं, शेल नंबर वन पे मैंने चार दिया हुआ है क्यू, आखिरी शेल पे मैंने चार दिया हुआ है टू क्यू, बस इतने ही दिए, बीच में बीच वाले शेल को अर्थ करना है। अब देखो और क्वेश्चन है, अर्थ करने के बाद इसके शेल के आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आया ये बताओ। जो लोग तो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं जाते, वो तो कहते अच्छा अर्थ ने टच किया क्यू डैश जीरो, क्योंकि हमने क्वेश्चन भी किया क्यू डैश, जरूरी नहीं भाई क्यू डैश जीरो। तो इमेजिन करो आप गए, आपको सिखाया गया था इंडक्शन लगा दो, देखो आपने आपने जाती पेंसिल ली क्यू का माइनस क्यू, जैसे क्यू डैश करने की कोशिश की अर्थ कहती है मैं बैठी हूँ, तुम कैसे एक इंडक्शन लगा दोगे, मैं डिसाइड करूँगा कितना चार्ज है। तो अर्थ ने कहा यहाँ कितना चार्ज है मान लो क्यू डैश, तुम नीचे इंडक्शन लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ मैं डिसाइड करूंगी, तो अर्थ ने कहा मान लो ये चार्ज क्यू डैश है, हाँ तुम ऊपर इंडक्शन लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन जिसको मैंने टच किया उस पर इंडक्शन नहीं, उस पर क्यू डैश चार्ज कर दो। तो ये Q से माइनस Q, अर्थ ने कहा यहाँ Q डैश करो, उसके बाद फिर आपकी चलनी स्टार्ट हो गई माइनस Q डैश और Q डैश। तो हर शेल पे चार्ज पता लग गया, अर्थ ने जिस शेल को टच किया उसका पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो। चलो करें जीरो। ये देखो सबसे पहले फर्स्ट चार्ज, क्योंकि ये पॉइंट कितनी दूरी पे है यहां से 2R, तो फर्स्ट शेल के चार्ज ने कितना पोटेंशियल लगाया, 1/4πε0Q/2R, डन ठीक है यहां तक। सेकेंड शेल माइनस क्यू, माइनस क्यू की दूरी भी यहां से कितनी है, सेंटर से 2R, तो माइनस क्यू कितना पोटेंशियल लगाएगा, -Q/2R। नेक्स्ट है क्यू डैश, क्यू डैश की दूरी कितनी है यहां से 2R, तो क्यू डैश बाय 2R। नेक्स्ट आउटर शेल, अब आउटर शेल ये कहता है क्योंकि ये पॉइंट आउटर शेल के अंदर है तो आप मेरे सरफेस का ही पोटेंशियल इसको दे दो,
तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितने है 3r, माइनस क्यू डैश बाय 3r, और इस चार्ज की वजह से 2q प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है, तो आउटर शेल ने अपने सरफेस का पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर दिया। अब अर्थ ने क्या कहा था, इसका पोटेंशियल क्या आना चाहिए, जीरो। उठा के जीरो करके देखो, आंसर जीरो नहीं आ रहा, माइनस 4q/3 आ रहा है। तो यानी कि ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है कि अर्थ ने टच कर दिया, चार्ज जीरो कर देगी। चार्ज जीरो नहीं करेगी भाई, वी जीरो करेगी। पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाएगी मन में अर्थ, वो कहेगी पड़ोसियों का चार्ज बताओ पहले कितने शेल पे, मैंने बोला इतने चार्जेस हैं। पहले वो पड़ोस के चार्ज लेगी, फिर अपना पोटेंशियल ऐसे देगी कि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। ये कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का। पॉइंट समझ में आ रहा है? कई लोग कहते हैं यार ये तो अलग ही लेवल हो गया, कुछ पुराने पेपर में दिखेगा नहीं, बहुत रेयर, मतलब ये तो लेवल ही कुछ और चल रहा है। कॉन्सेप्ट हमने सारा देख लिया, आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, प्रीवियस ईयर के अंदर आपको दिखेगा नहीं बहुत ज़्यादा, फिर भी अगर बाई चांस अर्थिंग की प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव में दिखी तो आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया, जहाँ आपने अर्थ को देख लिया वहाँ वी उठा के क्या कर देना है, जीरो। बस यही कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आने का चांस कम है आज के लेक्चर में से, शेल प्रॉब्लम में से आएगी तो बहुत बेसिक लेवल पे ई और वी निकालने आती है। अर्थिंग की प्रॉब्लम मर्जी है, वो डाले ना डाले, वैसे ज़्यादातर फ्रीक्वेंट आती नहीं है। पर मेरा बनता है जब मैं शेल करवा रहा हूँ, फिर मैं एक शेल सारी करवाऊंगा, फिर मैं एक एक करके एक को करवाऊंगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि शेल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? अब जो आपने प्रॉब्लम पूछी पार्थ, सेम प्रॉब्लम, वो छोटी प्रॉब्लम है। कैसे? ये क्यू चार्ज दे दिया आपने, इंडक्शन लगा के माइनस क्यू, यहाँ इंडक्शन लगेगी नहीं, अर्थ डिसाइड करेगी, तो यहाँ का पोटेंशियल तीनों चार्जेस का इक्वल टू जीरो आंसर। अब जीरो आ गया तो आ गया, नहीं आता तो ना आता, याद नहीं कर सकते, जो आया ठीक। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसमें लॉजिक क्या लगेगा? ठीक है, इसका ना आगे ये जो प्रूफ है इसको क्रॉस कर दो, ये जरूरत नहीं है। ये तो मेरे जैसे बंदे के लिए है कि फ्री बैठा था तो सोचा गॉस थ्योरम से प्रूफ ही देख लें, मत करना, बस हो गया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रूफ, नहीं चाहिए आपको इसका, ठीक है, नहीं चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थिंग पे ऐसे मिलेंगे जो मैंने करवाया। इसके बाद आपको एक और चीज़ मिलेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, मैं समझ सकता हूँ एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, बहुत आता नहीं है, बट ये वाली प्रॉब्लम तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको देखो,